दक्षिण भारत में भगवान की तरह पूजे जाने वाले रजनीकांत की इस गुरुवार को रिलीज हुई तमिल फिल्म पेट्टा ने शानदार शुरुआत करते हुए तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। जी हाँ, पिछले साल आई रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 ने पूरी दुनिया से 800 करोड़ रुपए की कमाई कर अपना दम दिखाया था। वहीं अब करीब 1.5 महीने के इंतजार के बाद रजनीकांत फिर से स्क्रीन पर उतरे हैं फिल्म पेट्टा के साथ। जी हाँ, कार्तिक के निर्देशन में बनी इस मूल तमिल फिल्म पेट्टा का अर्थ है इलाका। जी हाँ, आपको आगे बताते चले कि पेट्टा को तमिलनाडु में 500 से अधिक स्क्रीन्स में रिलीज किया गया है। वहीं फिल्म को चेन्नई में 1,12,00,000 रुपए का कलेक्शन मिला है। वहीं आगे आपको बताते चले कि पेट्टा ने अमेरिका से $7,500 का कलेक्शन किया। वहीं फिल्म में रजनीकांत जमकर एक्शन कर रहे हैं और रोमांस भी कर रहे हैं। आपको आगे बता दें कि ये रजनीकांत की 165वीं फिल्म है। वहीं और भी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।